वक्त का ताजा अपडेट है। चूंकि लॉकडाउन के बाद भी लोग सड़कों पर निकलते रहे, जगह जगह से तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कैसे लॉकडाउन के बावजूद लोगों का जमावड़ा, लंबी कतारें गाड़ियों की हमने देखी। इसीलिए एहतियातन ये फैसला कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है पंजाब में। पंजाब में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए एहतियातन ये फैसला किया गया है। बड़ी खबर, देखिए पंजाब में पहले लॉकडाउन हुआ और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन का मतलब समझा नहीं, लोग सड़कों पर निकले। कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली नोएडा से भी सामने आई, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ पटना की तस्वीरें भी देख लीजिए और जान लीजिए पटना में लोगों ने कितना समझ का अपना इस्तेमाल किया है। कह रहे हैं बार बार कि एक मीटर की दूरी आपके बीच में होनी चाहिए, लेकिन देखिए कैसे खचाखच बस भरी हुई और यहां तक कि छत पर भी लोग बैठ गए, जान जोखिम में भी डाल दी। एक तो कोरोना से पहले ही संक्रमण से खतरनाक स्थिति पैदा हुई है और देखिए ऊपर आपको दिख जाएगा हाई टेंशन तार भी जा रहा है, उसके बावजूद भी बस पर सवार ये सभी यात्री ये आपाधापी है, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश है। आप समझिए ना, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आप पैनिक बिल्कुल ना करें, घबराएं बिल्कुल नहीं, जहां पर हैं वहीं पर रहें। ऐसा हो सकता है कि अगर आप संक्रमित हैं आप अपने शहर जाएं, आप अपने गांव जाएं और वहां भी ये संक्रमण फैल जाए। इस बीच दिल्ली से तस्वीरें आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग कितने अवेयर हैं, लॉकडाउन का पालन कितना किया है आप समझिए। लोगों के हाथों में बैग्स हैं, कोई अपने काम के सिलसिले में घर से निकल रहा था तो कोई अपना सामान लेकर अपने शहर या अपने गांव लौटने की कोशिश में था। दिल्ली और पटना की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जान है तो फिर आगे सारे काम होते रहेंगे। लेकिन इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो कर्फ्यू अब घोषित कर दिया गया है। कर्फ्यू जब लोग अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे, और हो सकता है बहुत संभव, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो राज्य सरकारें हैं वो कड़ाई से इसका पालन करवाए। लॉकडाउन का मतलब लोगों को समझना चाहिए, घर में रहें, परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए गगनदीप सिंह मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ। गगनदीप, मुझे बताइए लॉकडाउन का पालन क्या यहां भी नहीं हुआ था जो कर्फ्यू घोषित कर दिया गया, और अब कर्फ्यू में स्थिति क्या कुछ रहने वाली है, क्या लोगों को जरूरी सामान मिल पाएगा? बात है, अगर बात करें लोगों की तो हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि सबको लॉकडाउन रहना है, सबको घर पे रहना है, तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए कई लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो है वो सामने आ सकती है, पर लोग अभी भी जो है वो अपने आप को उस चीज में नहीं लेकर आ रहे। इसी के चलते हुए पंजाब की अगर बात करें तो कल पंजाब में जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, तो जनता कर्फ्यू के दौरान लोग देखे गए शाम को 5 बजे थालियां बजाने की बजाय वो एक रैलियां निकाल रहे हैं, बड़े बड़े लोग इकट्ठे होकर बाजारों में घूम रहे हैं। और आज की बात करें तो नवांशहर में जहां पर सबसे ज्यादा केस पंजाब में सामने आए हैं, 7 कंफर्म केस वहां से सामने आए हैं, पहली मौत पंजाब की जो है वो नवांशहर से सामने आई है। वहां के अगर ताजा हालातों की बात करें तो वहां पर आवारागर्दी की जा रही है, लोग जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, लड़के जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर रैलियां निकाल रहे हैं। तो ऐसी चीजें अगर सामने आ रही है तो इसके ऊपर सख्त एक्शन जो हम कहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया है, उन्होंने खास तौर के ऊपर कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर पर्चा दिया जाए, उसको जेल के अंदर भेजा जाए। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि कर्फ्यू जो है अब अगले हुक्मों तक लगा दिया जाएगा, कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगी। हालांकि एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो उसमें उसी में छूट दी जाएगी, पर किसी भी तरीके से अब किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और ये खबर दर्शकों के लिए समझनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब में लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया गया, जैसे कि गगनदीप सिंह ने भी बताया, और इसीलिए कर्फ्यू के हालात पैदा हो गए हैं। कर्फ्यू सरकार की तरफ से लगा दिया गया है क्योंकि लोग बेवजह घरों से निकल रहे थे। देखिए ये छुट्टियां जरूर हैं लेकिन अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, घूमने के लिए, रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो लॉकडाउन का मतलब आप भी समझिए, वरना हो सकता है अगला शहर आपका हो, अगला राज्य आपका हो जहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाए।